Hi, this is Jogendra Tuteja at Tuteja Talks. This is Martin. And let me share with you how the box office has turned out to be for Thackeray, as well as the Uri, the surgical strike, which is again striking hard in its third week. This is indeed turning out to be fantabulous times at the box office, जहां एक के बाद एक फिल्में अच्छी चल रही है. मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी इज एनीवेज डूइंग वेल, बट इवन ठाकरे हैज नॉट बीन अ पुशओवर. फिल्म के जो ओपनिंग डे नंबर्स थे वो अच्छे रहे थे, हिंदी और मराठी में मिला के अराउंड 6 crore केम इन. एंड देन ऑन द सेकेंड डे अगेन द फिल्म डिड वेरी वेल बिकॉज रिपब्लिक डे वीकेंड की छुट्टी तो थी ही, उसकी वजह से 10 crore के अराउंड आ गए. एंड देन ऑन संडे अगेन द फिल्म डिड रियली वेल. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द वीकेंड around 25 crore, which is very good number. Of course Marathi ki contribution sabse jyada hai aur Hindi mein bhi jo numbers hai wo primarily Maharashtra se aa rahe hai, but for the makers eventually the film is going to not just sail smooth easily and go past the break even mark but also bring in good profits. For Nawazuddin Siddiqui, the film has turned out to be his biggest solo success till date. इससे पहले उनकी मांझी The Mountain Man ने कुछ decent numbers किए थे, but that too was just around 13-14 crore mark. उसके अलावा उनकी बाबू मोशाय बंदूकबाज आई थी जिसने just around 10 crore किए थे. Of course, he has been a part of some good setups जहाँ पर वो supporting roles में दिखाई दिए हैं and those films have done well. But as a solo film, उनके लिए एक बहुत बड़ा platform था and in that aspect, Thackeray has turned out to be a गुड मनी स्पिनर. अब देखना यही है कि 3 दिन के बाद फिल्म कितनी अच्छी चलती है, बिकॉज वीकेंड जो है वो तो लग गया है, बिकॉज देयर वाज सम क्यूरियोसिटी सम हाइप, बट आगे वीकडेज आर गोइंग टू बी अ मेजर डील ब्रेकर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 3 दिन में भी जो अभी नंबर्स आए हैं दे ऑल्सो हैव एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस एंड नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि अराउंड 50 crore का लाइफ टाइम फिल्म का लग जाना चाहिए. एंड इफ दैट हैपन्स दैट वुड इंडीड बी वंडरफुल फॉर ठाकरे. बट उससे पहले अगेन मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे फुटफॉल्स ऑन दीज डेज आर गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर्स. एज फॉर द अदर रिलीज विच इज स्टिल रनिंग दैट्स ओरी द सर्जिकल स्ट्राइक. व्हाट अ फैंटास्टिक टाइम इट हैज बीन हैविंग एट द बॉक्स ऑफिस, क्योंकि नंबर्स फिल्म के रुक ही नहीं रहे. अगेन ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे द फिल्म सॉ अ मेजर टर्न अराउंड. रिपब्लिक डे वीकेंड था तो उस वजह से फिल्म का जो ओवरऑल पेट्रियाटिक थीम है उसके साथ तो वो फिटमेंट हो ही रही थी, बट इवन अदरवाइज द नंबर्स आर जस्ट अनबिलीवेबल. As of now, the film has already collected around 160 crore, which is huge. Film blockbuster तो है ही, और अब देखना यही है कि क्या 200 crore की तरफ film पहुंच पाती है. The indications are that it could just about manage to do that. So stay with me and I'll be back with you soon enough to share with you the eventual verdict of Thackeray and how far is the distance that Uri the Surgical Strike has covered at the box office. This is Jogendra Tuteja signing off from Tuteja Talks Desi Martini.